अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका स्मास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाले हैं चावल के पापड़। तो एक कप हमने चावल लिए और इसे हमने रात में पानी में भिगा के रखा। ओवरनाइट ये पानी में भीगे रहे, जब ये अच्छी तरह भीग गए तो इसका पानी हमने हटा दिया। अब इसे हम पीस लेंगे। अगर आपके पास में चावल का आटा है तो आप उससे पापड़ बना ले। तो चावल के आटे को भी थोड़ा सा भिगाकर और उसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दें ताकि अच्छी तरह वो फूल जाए। तो ये चावल अच्छी तरह भीग गए हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए, तो ये चावल को हमने पीस लिया है, अब इसे हम छान लेंगे। अगर आप चावल का आटा लेते हैं तो आप उसे ना छाने, अगर चावल लेते हैं तो उसे पीस कर जरूर छान लें, क्योंकि हम चावल का बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाकर तैयार करेंगे तो इसमें हो सकता है कि छोटे छोटे चावल रह जाएं। तो इसे पहले हम छान लेते हैं। चावल के पेस्ट को हमने छान लिया है और आप देख सकते हैं छन्नी पर जो मोटे मोटे चावल हैं वो रह गए हैं। तो अब इस पेस्ट को हम पका लेते हैं। चावल पकाने के लिए बड़े से गंज में पानी को पका लेते हैं। तो जिस कप से हमने चावल लिए थे उसी कप से हम पानी लेंगे। तो यहाँ हम 6 कप पानी ले रहे हैं, ये 1 कप, और ये 6 कप। गैस को हम चालू करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून डालेंगे जीरा, 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में अच्छी तरह उबाल आने लगा है, अब इसमें हम डालेंगे चावल का पेस्ट। तो आप यहाँ देख सकते हैं पानी का कलर थोड़ा सा पीला हो गया है। हमने यहाँ कलर नहीं डाला है, जो हमने जीरे डाले थे वो जीरे का कलर है। चलिए, तो अब हम डालेंगे ये चावल का पेस्ट। तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह डालते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। जब आप चावल का पेस्ट डालें तो थोड़ा सा ध्यान से डालें, चावल के पेस्ट को एकदम से एक बार में मत डालें, थोड़ा थोड़ा सा आप डालते जाएं और चम्मच से चलाते जाएं। चावल का आटा डालने के बाद में अगर ये अच्छी तरह नहीं पकता है तो आप यहाँ पर 1 से 2 कप पानी को गर्म करें और गर्म पानी इसमें डाल लें, फिर चावल के आटे को अच्छी तरह पका लें। तो चावल का आटा भी अच्छी तरह पका नहीं है, देखिए थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो इसे पकाते हुए हमें पूरे 12 से 15 मिनट हो गए और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा थिक हो गया है, ये देखिए, और इसमें थोड़ी सी शाइनिंग भी दिखने लगी। जब ये इस तरह का थिक हो जाए और थोड़ी सी शाइनिंग दिखने लगे तो समझिए ये अच्छी तरह पक गया है। चावल को बहुत अच्छे से पकाएं। अगर आपका चावल थोड़ा सा भी कच्चा रहता है तो पापड़ आपके फट सकते हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखें, थिकनेस इस तरह की देखें और थोड़ी सी इसमें शाइनिंग होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि थिकनेस भी अच्छी है इसकी और इसमें शाइनिंग भी दिखने लगी है। तो अब हम गैस को करेंगे बंद और इसके बनाएंगे हम पापड़। अगर आपका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और चावल अच्छे से नहीं पक पाते हैं तो आप इसमें 1-2 कप पानी को गर्म करें और गर्म पानी इसमें मिलाएं और थोड़ी देर और पका लें। तो आप इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ना मिलाएं, गर्म पानी ही मिलाकर इसे पकाएं। तो बैटर को हम यहाँ ज्यादा ठंडा भी नहीं रखेंगे, इसी तरह का गर्म गर्म बैटर ही रखेंगे और इसके हम पापड़ बनाएंगे। हमने यहाँ पर एक साफ सी पन्नी ली है और इस तरह चम्मच में हम ये बैटर को भरेंगे और इस तरह हल्के हाथों से इसे फैला देंगे, ज्यादा पतला भी नहीं करेंगे, बस इस तरह के पापड़ हम बनाते जाएंगे। और पापड़ को आप यहाँ पर थोड़ा थोड़ा दूरी पे बनाएं, ये देखिए इस तरह के पापड़ आप बनाते जाएं। और इस तरह के पापड़ बनाकर आप तैयार कर लें और इन्हें धूप में 2 से 3 दिन अच्छी तरह सुखा लें। हमने ये पापड़ थोड़े से घर में बनाए हैं क्योंकि हमें आपको दिखाना था। आप डायरेक्ट ही धूप में बनाकर और इसे सुखा लें। तो ये देखिए पापड़ अच्छी तरह सूख गए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पापड़ थोड़े बहुत ही फटे हैं, बहुत ज्यादा नहीं फटे हैं। तो जब पापड़ सूखते हैं तो वो थोड़े बहुत फट जाते हैं। तो ये पापड़ अच्छी तरह सूख गए हैं, अब इसे हम एक डिब्बे में भरकर रख लेंगे। तो थोड़े पापड़ हम आपको तल कर भी दिखा देते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल को गर्म कर लिया है, अब इसमें हम डालेंगे ये पापड़। जब आप पापड़ को फ्राई करें तो तेल को आप बहुत अच्छा गर्म करें। तो ये देखिए पापड़ अपने साइज से डबल हो गया है और इस तरह के पापड़ हम फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह के पापड़ों को आप फ्राई कर लें। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।